चेस्ट पे, और निर्मल ने मुझे एकदम से नाखून मारे थे। बाल जैसे ही मैं गेट में एंटर करी, उसने मेरे बाल रोल करे और एकदम मेरी चेस्ट पे मारा, तो मेरी मदर मुझे छुड़ाने के लिए। अरे तो आपके साथ जो कोई दिक्कत नहीं, इंडियन सी के उनके चेयरमैन यही है वो चेहरा। ये हमारी छोटे भाई की वाइफ हैं सुनीता चौधरी, और ये हमारी भतीजा है तेजवीर जी। तो हम शादी में भी गए थे, और लड़की वालों ने जो रोहतक से हैं, कुंडू डॉक्टर फैमिली, बड़ी अच्छी फैमिली है, और काफ़ी इन्होंने अपनी मतलब उम्मीद से ज़्यादा इतना पैसा लगा के इनको कैश, ज्वेलरी और दोनों फाइव स्टारों में फंक्शन लीला और ताज में किया गया। पर ये सुनीता चौधरी शुरू से ही इस तरह की मतलब दहेज की लालची और पैसे की लालची, और ये अपनी सास को भी इसने भगा रखा है, और अपने हस्बैंड को भी इसने किसी से नहीं मिलने देती थी हमारे फैमिली से, और ये एक तानाशाही टाइप की औरत है, और अपने आप को झूठी जज, आईएएस और ये बता के अपने आप को ब्लैकमेल किया इनको। अब हमें पता चला गरिमा जी को और इनकी मदर से, अब इनको ये बताया गया, अब मैं पहले आईएएस थी, फिर मैंने वो मतलब सरेंडर कर दिया, उसके बाद मैं जज बन गई, और लॉ कर रखी है इसने सिंपल, कोई ना जज है ना कुछ है, दहेज के लिए, क्योंकि इनका एक रोहतक में प्लॉट है जो कि इस गरिमा बेटे के बेटिया के नाम है। तो अब ये दोनों मतलब कि सुनीता चौधरी चाह रही है अब ये प्लॉट भी मेरे नाम या लड़के के करें, जबकि लड़के की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गैस एजेंसी है, सब चीज़ की मौज है। हाँ, ये मतलब अकेली गरीबा जी जो मतलब रह रही हैं, तो एक बड़े ही भयानक और उस मतलब डरावने उसमें रह रही हैं। 20-20, 25-25 उन्होंने एक गुंडा एलिमेंट और हायर करके बॉडी बिल्डर टाइप जैसे वो होते हैं, ऐसे ही लेडीज और ये हैं जो कि गरिमा जी ने मतलब हमें आपको दिया भी होगा वीडियो, और जो इसने बना रखा है, और जो 10 तारीख का इंसिडेंट हुआ इनकी मदर के साथ, हाथापाई हुई इनके साथ हुई। ये है, इसमें नाम आ रहा है, मतलब ये जल्दी जल्दी जाती रहा करो, और यानी कि जो जब आप घर से आओ तो जब तेजवीर पैसे मांगे तो तेजवीर को पैसे मांगने पे दे दिया करो। यूँ है, क्या करता आपका दामाद, क्या करता था, क्या दामाद को हमें बताया गया कि ये मतलब लॉयर है, लॉ की डिग्री ली हुई है, बीटेक है, लेकिन सर अभी हमने देखा कि उसकी बीटेक की डिग्री भी कम्प्लीट नहीं है, लॉ तो उसने की ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही हमें झूठ बोला गया। जब शादी करी थी तो ये बताया था कि शादी की, तो हमें ये बताया गया कि लड़के लास्ट ईयर है लो का, इसीलिए उन्होंने एक साल का गैप रखा शादी में रोके के बाद। हमारे तो साथ ये पूरा प्री प्लान धोखा हुआ सर, यानी कि रिंग सेरेमनी में भी, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भी रिंग सेरेमनी की अंगूठी है वो भी हमारे से ही बनवाई गई उन्होंने, मतलब यानी कि उसके बाद मतलब हमने बोला भी नहीं, एक बेटी वाले होने के नाते हमने ये नहीं सोचा भाई कोई बात नहीं, जहाँ हमने इतना किया वो भी हो गया। जब अब ये बात इतनी बड़ी तो मेरी बिटिया ने कहा कि रिंग सेरेमनी के अंगूठी के पैसे भी नहीं दिए, तो कहते पक्का बिल बनवा के दो, हमने बिल भी दिया, उसके बाद भी उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है, मतलब